फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ससुराल के घर से लेकर संपत्ति तक बहुओं के पास कौन से अधिकार है, कानून क्या कहता है, लीगल प्रोविजंस कौन सी है, इसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे। अब हम जानेंगे एक बहू के ससुराल की संपत्ति में क्या क्या हक है, संपत्ति को लेकर बहू के अधिकार कौन से है। अब स्त्री धन के बारे में हम जानेंगे। अब हिंदू लॉ के अनुसार स्त्री धन पर बहू का स्वामित्व होता है, बहू का अधिकार होता है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि स्त्री धन के दायरे में क्या क्या आता है। अब स्त्री धन के दायरे में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, कौन से गहने आते हैं, ये हम जानेंगे। दरअसल विवाह से जुड़े रिवाजों, समारोह के दौरान महिला को जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो चल हो, अचल संपत्ति हो यानी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, या कोई वो गिफ्ट हो, उस पर महिला का ही अधिकार होता है पूर्णत्व। यानी सगाई, गोद भराई, बारात, मुंह दिखाई या बच्चों के जन्म पर मिले गिफ्ट, ये सब स्त्री धन के तहत आएंगे। अब स्त्री धन पर महिला का ही स्वामित्व होता है, भले ही वह धन पति या सास ससुर की कस्टडी में हो, उनके कस्टडी में हो तो भी वो स्त्रीधन ही होगा। अगर किसी सास के पास अपने बहू का मिला स्त्रीधन है और बिना किसी वसीयत के उनकी मृत्यु हो गई, तो उस धन पर बहू का ही कानूनी अधिकार है, न कि बेटे या परिवार के किसी अन्य सदस्य का उस पर कोई हक बनता है। अब स्त्री धन पर महिला के स्वामित्व का अधिकार ऐसा है कि उसे कोई भी नहीं छीन सकता, ये पूर्णत्व स्वामित्व वह महिला का होता है। यहाँ तक कि अगर वह पति से अलग भी हो जाए तो स्त्री धन पर उसी का अधिकार होगा। अगर किसी विवाहित महिला को उसके स्त्री धन से वंचित किया जाता है तो ये घरेलू हिंसा के बराबर होगा, जिसके लिए पति और ससुराल वालों को आपराधिक मामले का सामना करना पड़ सकता है। अब गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है, हर महिला को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। अब एक विवाहित महिला को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, वह अपने पति जैसे ही लाइफस्टाइल की हकदार है, समान लाइफस्टाइल की हकदार है पति के जैसे। अब गरिमा के साथ जीने का अधिकार का मतलब है कि वह मानसिक या शारीरिक यातनाओं से मुक्त हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो वो घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा। अब ससुराल के घर पर अधिकार, हर बहू का ससुराल के घर पर अधिकार होता है। अब महिला जिस घर को अपने पति के साथ साझा करती है वह ससुराल का घर कहा जाता है। अब ये घर चाहे रेंट पर लिया गया हो या अधिकाधिक तौर पर उपलब्ध कराया गया हो, या पति के स्वामित्व वाला हो या फिर रिश्तेदारों के स्वामित्व वाला हो, महिला के लिए तो वह ससुराल वाला घर यानी मैट्रिमोनियल होम है। अब हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत हिंदू पत्नी को अपने मैट्रिमोनियल घर में रहने का अधिकार है, भले ही उसके पास उसका स्वामित्व न हो, भले ही वह एक पैतृक घर हो यानी कि उनकी पैतृक प्रॉपर्टी हो, पैतृक घर हो, पुराने उनके दादाजी से वो घर पैतृक संपत्ति में उन्हें मिला हो, जॉइंट फैमिली वाला हो, स्वार्जित हो या फिर किराए का ही घर क्यों ना हो। हालांकि अगर ससुराल वालों की स्वार्जित संपत्ति है यानी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है तो उनकी सहमति के बिना विवाहित महिला उसमें नहीं रह सकती, क्योंकि इस संपत्ति को शेयर्ड प्रॉपर्टी यानी साझा संपत्ति के तौर पर नहीं लिया जा सकता है। अब साफ तौर पर यह है कि महिला को अपने मैट्रिमोनियल होम में रहने का अधिकार है, लेकिन ये हक तभी तक है जब तक उसके पति के साथ वैवाहिक संबंध बने रहते हैं। हालांकि पति से अलग होने के बाद भी पत्नी उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से जीने के लिए मेंटेनेंस की अधिकारी है। अब पति से हुए संतानों पर भी ये लागू होता है। अब वैवाहिक रिश्तों में खटास के बावजूद पति अपने पत्नी
अपनी पत्नी और बच्चों के रहने खाने, कपड़े, पढ़ाई लिखाई, इलाज, यह सब जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता है। उसे इसके लिए भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस देना होता है। अब साझे के घर पर महिला के अधिकार पर ऐतिहासिक कुछ फैसले हैं, वो फैसले हम देखेंगे। अक्टूबर 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना है, जैसे कि बहू को साझे के घर में रहने का अधिकार है। अब क्या फैसला है वो जानेंगे, साझे के घर में बहू को रहने का अधिकार है या नहीं, इसे लेकर दिसंबर 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने फैसला दिया। तरुण बत्रा केस में जस्टिस की बेंच ने कहा था कि एक पत्नी के पास केवल अपने पति की संपत्ति पर अधिकार होता है, वह साझे के घर में रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकती। हालांकि अक्टूबर 2020 में जस्टिस के अगुवाई वाली तीन जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2006 के फैसले को पलट दिया। अब कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला को ससुराल के साझे घर में रहने का कानूनी अधिकार है, यानी कि लीगल राइट है। अब मई 2022 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साझे के घर का दायरा बढ़ाया। अब कैसा दायरा बढ़ाया, इसी साल मई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साझे वाले घर यानी शेयर्ड हाउसहोल्ड की व्याख्या शेयर्ड हाउसहोल्ड की डेफिनेशन करते हुए महिला के उसमें रहने के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला दिया। अब फैसले में शीर्ष अदालत ने साझे के घर में रहने का अधिकार इसकी व्यापक व्याख्या की, यानी कि उसकी डेफिनेशन का दायरा बढ़ा दिया, जो इससे जुड़े मामलों में नजीर साबित होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में डोमेस्टिक एक्ट के तहत शेयर्ड हाउसहोल्ड यानी साझे वाले घर में क्या क्या आएंगे इसकी व्याख्या की। अब साझे वाले घर में क्या क्या इंक्लूड होगा इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की। अब कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिला के पास साझे वाले घर में रहने का अधिकार है, वह महिला चाहे जिस भी धर्म से ताल्लुक रखती हो, वह चाहे माँ हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, सास हो या बहू हो, या फिर घरेलू रिश्तों के तहत आने वाली किसी भी श्रेणी से ताल्लुक रखती हो, उसे साझे वाले घर में रहने का अधिकार है, उसे उस घर से नहीं निकाला जा सकता। अब माननीय जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अगर कोई महिला शादी के बाद पढ़ाई, रोजगार, नौकरी या अन्य किसी वाजिब वजह से पति के साथ किसी दूसरी जगह पर रहने का फैसला करती है, तब भी साझे वाले घर में उसके रहने का अधिकार बना रहेगा। अब इसी तरह अगर महिला अपने पति के साथ किसी दूसरे शहर में रह रही है, तो उसे अपने पति के घर में रहने का पूरा अधिकार तो है। अब दूसरे शहर या जगह के साझे वाले घर में भी रहने का अधिकार है। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 उसे ये अधिकार देता है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उदाहरण देते हुए कहा, कोई महिला शादी के बाद नौकरी या रोजगार के सिलसिले में अपने पति के साथ विदेश भी जाना पड़ सकता है, उसे वो अपने पति के साथ विदेश भी जा सकती है। ऐसी स्थिति में शादी के बाद महिला के पास साझे वाले घर में रहने का मौका नहीं मिलेगा। अगर किसी वजह से उसे विदेश से लौटना पड़ा, तो उसके पास अपने पति के साझे वाले घर में रहने का अधिकार होगा, भले ही उस घर पर उसके पति या उसके पति का स्वामित्व न हो। ऐसी स्थिति में सास ससुर महिला को साझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अब ऐसे कंडीशन में पति की मृत्यु हो गई तो क्या अधिकार होंगे? तो अगर पति की मृत्यु हो गई तो एक निर्णय है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने
इस महीने हिंदू विधवा के भरण पोषण मामले में यानी मेंटेनेंस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुना है। अब माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि यदि हिंदू विधवा अपनी आय या अन्य संपत्ति से जीवन जीने में असमर्थ है, इनकैपेबल है, तो वह अपने ससुर से भरण पोषण का दावा कर सकती है। अब कोर्ट ने कहा कि पति की मृत्यु के बाद ससुर अपनी बहू को घर से निकाल देता है या महिला अलग रहती है तो वह कानूनी रूप से भरण पोषण का हकदार होगी। यहां तक कि अगर हिंदू विधवा अगर दूसरी शादी भी कर लेती है तो उसे अपने पहले पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। अब इस बारे में कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि विधवा के दोबारा शादी करने से उसके मृत पति की संपत्ति पर अधिकार खत्म नहीं हो जाता। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत जब बिना वसीयत के किसी विधवा की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बेटे और बेटी समेत उसके वारिस या अवैध संबंधों से जन्मी संतान भी उसकी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होती है। अब यह फैसला गुजरात हाईकोर्ट ने इस साल जून में सुनाया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत एक हिंदू विधवा को अपने दूसरे पति से जमीन विरासत में मिल सकती है, साथ ही पहली शादी से हुए उनके बच्चे भी दूसरे पति की जमीन के वारिस हो सकते हैं। अब बहू को साजे के घर में रहने का अधिकार कब नहीं लागू होगा, यह महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बहू को साजे के घर में रहने का अधिकार कब नहीं मिलता, अब अदालतों ने समय समय पर साजे के घर में रहने का अधिकार को लेकर अपवाद भी स्पष्ट किए हैं कि किस तरह के मामलों में ये लागू नहीं होगा। अगर बहू प्रताड़ित करे अपने घर से निकाल सकते हैं सास ससुर, अगर बहू का व्यवहार अच्छा नहीं है तो सास ससुर बहू को घर से निकाल सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2022 में घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में आदेश दिया कि अगर बुजुर्ग सास ससुर को बहू प्रताड़ित करती है, बहू का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वे घर खाली करा सकते हैं। दरअसल बुजुर्ग माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण और संरक्षण लिए बने द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अनुसार एक बुजुर्ग ने अपनी बहू के खिलाफ सताने और प्रताड़ित करने की शिकायत की थी। अब बुजुर्ग ने बहू को अपने घर से बाहर निकालने की मांग की थी। इस मामले में एसडीएम ने बुजुर्ग के पक्ष में फैसला देते हुए बहू को 30 डेज के भीतर घर खाली कराने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ बहू हाईकोर्ट गई। अब हाईकोर्ट से भी उसे राहत नहीं मिली तो वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया कि बहू को ससुर का घर खाली करना पड़ेगा। अब माननीय जस्टिस के बेंच ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल बहू की याचिका पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ससुर ने यह प्रस्ताव दिया कि चाहे तो उसकी बहू दूसरे फ्लैट में रह सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रस्ताव को बेहतर बताते हुए आदेश दिया कि बहू अपनी बेटी के साथ दूसरे फ्लैट में रहेगी और सास ससुर की जिंदगी में दखल नहीं देगी। इतना ही नहीं, जिस फ्लैट में बहू रहेगी उस पर किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई कानूनी अधिकार भी सूजित नहीं करेगी। अब सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार करने वाली महिला को उनके घर में रहने का हक नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट मार्च 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बुजुर्ग सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार करने वाली महिला को उनके घर में रहने का अधिकार नहीं है। अब हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में सास ससुर बहू को घर खाली करने के लिए कह सकती है, क्योंकि
उन्हें सुकून से जीने का अधिकार है। दरअसल घरेलू हिंसा के मामले में ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया था कि महिला अपने मैट्रिमोनियल हाउस में नहीं रह सकती। अब महिला ने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि इस मामले में महिला के सास ससुर बुजुर्ग है और उन्हें सुकून के साथ रहने का अधिकार है। उनके बेटे और बहू के बीच वैवाहिक विवाद की वजह से उनका सुकून नहीं छीना जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने महिला को राहत देते हुए ससुर से हलफनामा भी भरवाया कि जब तक उसके बेटे के साथ महिला की शादी मान्य है तब तक उसके रहने के लिए उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। सो फ्रेंड्स, यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू।